अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले टेक्सटाइल आ जाती है, फिर उसके अलावा हमारे पास कॉटेज आ जाती है या जो छोटे पे हमारे पास इंडस्ट्रीज होती हैं वो आती हैं, फिर उनके बारे में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। आज हम इस लेक्चर के अंदर इंडस्ट्री टेक्सटाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। सो फर्स्ट इसका पॉइंट आ जाएगा, इट इज़ द मोस्ट बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सेकंड इसमें आपका क्या आ जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ये क्वांटिटी में इंडस्ट्री पाई जाती है, जो इसके यूनिट्स हैं वो मोस्टली कराची शहर में पाए जाते हैं। सो कराची इज़ द मेन सिटी है जहाँ पर टेक्सटाइल का काम होता है। उसके अलावा लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, यहाँ पर भी टेक्सटाइल का काम किया जाता है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है कि 60% जो एक्सपोर्ट्स हैं, 60% एक्सपोर्ट हम जनरेट करते हैं कहाँ से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, ड्यू टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 60% जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से किया जाता है, जनरेट किया जाता है, एक्सपोर्ट होती हैं। उसके अलावा हमारे पास इसके डिफरेंट प्रोसेस है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो किस तरह से डिफरेंट प्रोसेस से होते हुए बाद में फिर कपड़ा बनता है। सबसे पहले वो हमारे पास एक तरह का कॉटन होती है, कॉटन को लिया जाता है, यहाँ पे इसका प्रोसेस आ जाएगा जिससे कपड़ा बनता है। फर्स्ट वन इज गिनिंग। इससे पहले आपका होता है, गिनिंग में क्या होता है कि आपके दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक आपका होता है कॉटन सीड, कॉटन सीड्स को लिया जाता है, कॉटन को जब लिया जाता है तो वहां से गिनिंग, हमारे पास एक मशीन का नाम है जिसे जिन कहते हैं, बेसिकली उस मशीन का नाम हमारे पास जिन आता है। इसमें हमारे पास जब इस मशीन से होते हुए गुजरता है तो वो कॉटन सीड्स को अलग कर देता है, और उसके अलावा जो धागा होता है या मतलब धागे नुमा शक्ल होती है उसको अलग कर देता है, जिसे आप कॉटन रोल भी कहते हैं। अभी वो धागा बनता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कॉटन सीड्स अलग करता है और कॉटन रोल वो अलग कर देता है इस मशीन के थ्रू, जिन मशीन के थ्रू। नेक्स्ट क्या होता है, यही जो कॉटन सीड्स होते हैं इससे ऑयल बनाया जाता है। इन कॉटन सीड्स के को यूटिलाइज करके, आगे यूज करके इनसे ऑयल बनाया जाता है, और यही जो कॉटन रोल होते हैं इसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए नेक्स्ट जो मशीन है उससे गुजारा जाता है, जो कि आपकी आ जाती है स्पिनिंग। जब ये नेक्स्ट मशीन मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है तो ये धागा नहीं बनाता, बल्कि उसमें मोटे तरह का, जैसे आप ऊन जिसे कहते हैं, मोटे तरह का आपका आता है, धागा नुमा होता है, लेकिन मोटा होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, स्पिनिंग के अंदर वो कॉटन फाइबर, कॉटन रोल को अलग करके एक खाली कॉटन के अंदर चेंज करता है। कॉटन के अंदर चेंज करने के बाद वो उसे कॉटन फाइबर में चेंज करता है, और ये आपका प्रोसेस किस में होता है, स्पिनिंग के अंदर। स्पिनिंग के अंदर लास्ट प्रोसेस होता है जिसमें मतलब जो धागा होता है वो निकलता है, और वो बारीक धागा होता है जो कि कपड़ों में या दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कपड़े स्टिच भी किए जाते हैं या कपड़े जो बनते हैं मशीन्स के ज़रिए,
मशीन जो निकालती है कपड़ा, वो उसी धागे के साथ, उसी धागे के को इस्तेमाल करके निकालती है। तो नेक्स्ट, इसके बाद कॉटन फाइबर के बाद क्या बनता है? कॉटन यार्न। कॉटन यार्न मतलब कॉटन का जो धागा होता है वो बनता है, वो यूटिलाइज होता है। और ये हमारे पास जो कॉटन यार्न बनाया जाता है, ये किस प्रोसेस में बनाया जाता है? स्पिनिंग के बाद आता है वेविंग। ये हमारे पास प्रोसेस था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो किस तरह से काम करती है, वहाँ पे डिफरेंट मशीन्स कौन कौन सी मशीन से होकर फिर हमारे पास धागा आता है, धागे से फिर कपड़ा आगे बनता है और वो पूरे मुल्क में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा एक्सपोर्ट भी होता है, एटलीस्ट 60% जो है वो एक्सपोर्ट आता है और इससे जो हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इट आल्सो बेनिफिटेड फॉर पाकिस्तान। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर, इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की या किसी चीज़ की समझ ना आई हो, जैसे ये प्रोसेस है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।